हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए वाकड़ लोकेशन से एक नियरिंग एंड रेडी पोजीशन प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले नए प्रोजेक्ट के अपडेट आपको इसी तरीके से मिलते रहें। नीचे आप जो फेसबुक और इंस्टा आईडी देख रहे हैं वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको फुल लेंथ एंड शॉर्ट लेंथ प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। इस लोकेशन को बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाती है भूमकर चौक, हिंजेवाड़ी, साथ ही अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मेट्रो स्टेशन एंड फिनिक्स मॉल, ये सब भी आपको नज़दीक में ही मिलेगा। ज़रूरत की सारी चीज़ें जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, ये सब भी आपको इन एंड अराउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 and 3 BHK के ऑप्शंस मिलेंगे। 2 BHK का कारपेट एरिया है 821 स्क्वायर फीट का, 3 BHK का कारपेट एरिया है 925 स्क्वायर फीट का। प्राइसिंग हम आपको वीडियो के एंड में रिवील करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सैंपल फ्लैट का टूर। सो अभी हम देख रहे हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट को, जिसका कारपेट एरिया है 925 स्क्वायर फीट का। आपको हर फ्लैट के सामने यहाँ पर इतना बड़ा एंट्रेंस लॉबी स्पेस मिल रहा है, जिसको कि आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो अपना शू रैक भी प्लान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको डिजिटल लॉक दिया गया है, जिसे आप मल्टीपल वेज से एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको वीडियो डोर फोन भी लगा कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो एंट्रेंस डोर दिया गया है ये भी काफी प्रीमियम फिनिश वाला है, और डोर के एजेस जो है वो हमारे मोल्डेड रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर आपको रबर सीलिंग भी लगा के दिया जाएगा। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो अंदर आने के बाद में हमें मिलता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है 18x11 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सीटिंग का अरेंजमेंट करके दिखाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर अपना एक एल शेप या सी शेप सोफा का भी प्रोविजन कर सकते हैं, अराउंड 4 to 6 सीटर का। बीच में आप चाहें तो अपनी कुछ इस तरीके से सेंटर टेबल लगा सकते हैं, और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, जहां पर अपना एक LED यूनिट लगा सकते हैं। इस तरफ आता है हमारा डाइनिंग एरिया, जहां पर आप कुछ इस तरीके से अपना एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से अटैच हमें मिलती है बालकनी। आ जाइए एक बार अपनी हम बालकनी को देखेंगे। तो इस तरफ आती है हमारी बालकनी, इसका साइज है 11x4 का, और ये बालकनी भी हमको ऊपर से कवर्ड ही मिलेगी, जिससे यहाँ पर भी आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिलने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो स्लाइडिंग डोर दिए गए हैं, इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही मॉस्किटो को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको मेस भी दिया जा रहा है। फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए गए हैं ये हमारे रेगुलर टाइल्स रहने वाले हैं, जो हमारे रेस्ट ऑफ द फ्लैट में रहेंगे। इस तरफ आप ये देख सकते हैं आपको मेटल फ्रेम की रेलिंग दी जा रही है, जहाँ पर आपको टफन ग्लास लगा के दिया जा रहा है, जिससे आप अपने बाहर के हाई राइज व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो हमारे लिविंग और डाइनिंग एरिया से लगा हुआ हमें मिलता है ओपन किचन, जिसका साइज है 9x8 का। यहाँ पर आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये हमारे इंटीरियर का पार्ट है, और अगर आपके हम किचन में देखें तो यहाँ पर आपको एल शेप का ग्रेनाइट काउंटर टॉप दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर अपने हम अरेंजमेंट्स को देखें तो इस तरफ आपको रेफ्रिजरेटर यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। साथ ही हमारे किचन अप्लायंसेस को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको पावर पॉइंट भी दिए गए हैं। इस तरफ आता है हमारा गैस स्टोव, और यहाँ पर हमको चिमनी का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। इस तरफ आपको जो विंडो दिया गया है, इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया गया है। इस तरफ आता है हमारा SS सिंक, जहाँ पर हमको मिलते हैं 2 मूवेबल टैप। साथ ही यहाँ पर भी आपको वाटर प्योरीफायर का प्रोविजन करके दिया जाएगा। नीचे आप जो किचन ट्रॉलीज देख रहे हैं ये हमको कॉम्प्लीमेंट्रीज मिलने वाले हैं एज इट इज, जैसा आप देख रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारा यूटिलिटी एरिया सेपरेट रहने वाला है। आ जाइए एक बार अपने हम यूटिलिटी एरिया को देख लेते हैं। सो इस तरफ आती है हमारी ड्राई बालकनी, इसका साइज है 8x5 का, और ये बालकनी भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलेगी। सामने की तरफ से जो आप ओपन स्पेस देख रहे हैं वहां से आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर ग्रिल्स भी इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। इस तरफ आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट के साथ में, और सामने आप चाहें तो अपना डिश वॉशर भी लगा सकते हैं। प्लस ऊपर की तरफ आप चाहें तो अपने कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर सिस्टम भी लगा सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। यहाँ पर आपको फ्लैट में बेडरूम के लेआउट बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में दिए हुए हैं, जहाँ पर आपको एक तरफ मिलता है कॉमन एंड मास्टर बेडरूम, और इस तरफ आता है हमारा किड्स बेडरूम। तो आ जाइए अपने हम किड्स बेडरूम को देख लेते हैं। सो इस तरफ आता है हमारा किड्स बेडरूम, जिसका साइज है 11x10 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डबल बेड के साथ में एक वार्डरोब यूनिट का प्रोविजन करके दिखाया गया है। सामने की तरफ आपको जो विंडो दिए गए हैं, इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही सेफ्टी को ध्यान में रखकर बाहर आपको ग्रिल्स भी इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। आप यहाँ पर चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना किड्स के हिसाब से एक स्टडी टेबल का भी प्रोविजन कर सकते हैं। साथ ही इस तरफ हमको मिलता है अटैच वॉशरूम, जहाँ पर आपको
वॉश बेसिन दिया गया है वॉल माउंट वाटर क्लोजेट के साथ में, साथ ही आपको यहाँ पर बेदिंग का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। तो आप इसको देखते हुए हमारे कॉमन एरिया की तरफ आ जाइए। तो इस तरफ आता है हमारा कॉमन एरिया, जहां पर आपको एक कॉमन वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। नीचे आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। ऊपर की तरफ आप जो लॉफ्ट देख रहे हैं वहां पर आपको इन्वर्टर का प्रोविजन करके दिया जाएगा। मेरे राइट हैंड साइड पे है कॉमन बेडरूम, आ जाइए एक बार आपके हम कॉमन बेडरूम को देख लेते हैं। सो इस तरफ आता है हमारा कॉमन बेडरूम, जिसका साइज है 10x10 का। यहां पर आपको अभी एक एंटरटेनमेंट रूम का सेटअप करके दिखाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर अपना एक डबल बेड और एक वार्डरोब यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से अटैच हमें मिलती है बालकनी, जिसका साइज है 10.3x3 का, और हमारे रेगुलर बालकनी के जैसे ही यहाँ पर भी आपको सिमिलर सेटअप देखने को मिलेगा। तो आप इसको देखते हुए आगे की तरफ आ जाइए। सो हमारे कॉमन बेडरूम से आगे बढ़ते ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमको मिलता है कॉमन वॉशरूम, आ जाइए एक बार आप इसको देख लेते हैं। सो इस तरफ आता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जहां पर आपको एक वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। इस तरफ आता है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट, और यहाँ पर आपको बेडिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। हमारे वेट एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको एक टाइल ड्रॉप भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पर मिलने वाले सीपी और सैनिटरी वेयर हमारे जगुआर और सेरा के रहने वाले हैं। वॉल पर आप जो टाइल्स दिख रहे हैं ये भी आपको सीलिंग हाइट तक मिलेंगे, और ऊपर आप जो फॉल सीलिंग देख रहे हैं ये भी आपको एज इट इज मिलने वाला है। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहेंगे। साथ ही इस तरफ आपको जो विंडो दिया गया है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। आ जाइए अपने हम मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। तो इस तरफ आता है हमारा स्पेशियस मास्टर बेडरूम, जिसका साइज है 13.3x11 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक किंग साइज बेड और कॉर्नर टेबल लगाकर दिखाया गया है, और हमारे बेड के प्लेसमेंट को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको पावर पॉइंट भी दिए गए हैं। पीछे की तरफ आप जो विंडो देख रहे हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा, और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक ड्रेसिंग यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं, और सामने की वॉल पर आपको इनफ स्पेस मिल जाता है अपने एक बड़े से वार्डरोब यूनिट को लगाने के लिए। इसी से अटैच हमें मिलता है वॉशरूम, हमारे अर्लियर वॉशरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको सिमिलर फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स देखने को मिलेंगे। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स को देखें तो 6.5 एकड़ के लैंड पार्सल में 15 फ्लोर्स के 8 टावर्स डेवलप करके दिए जाएंगे, और इसका पोजीशन है जुलाई 2024 का। साथ ही यहां पर आपको एग्जिस्टिंग टावर में रेडी पोजीशन इन्वेंट्रीज भी देखने को मिलेंगी। यहां पर आपको सारी प्रीमियम एंड लेविश एमिनिटीज देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। अगर हम प्राइसिंग को देखें तो 2 BHK की प्राइसिंग शुरू होती है 85.5 लाख ऑनवर्ड्स, वहीं 3 BHK की प्राइसिंग शुरू होती है 98 लाख ऑनवर्ड्स। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे द्वारा दी गई सर्विसेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना ही आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।